नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीजी मोर्य स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आज का ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और शुरू की दो चार क्लिपों में देखा। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत से लोगों ने कहा कि आप भाई अपने हॉस्टल का एक व्लॉग बनाइए और जिसमें आप अपनी हॉस्टल लाइफ दिखाइए, हॉस्टल कैसे हैं आपके, आप कैसे रहते हो। तो इसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ एक हॉस्टल लाइफ, क्योंकि मैं देखो बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बनाऊंगा और जैसा बॉयज़ हॉस्टल है वैसा ही हमारे यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। तो मैं अपने बॉयज़ हॉस्टल की आपको सारी वीडियोज़ दिखाऊँगा, सारी क्लिप्स दिखाऊँगा और पूरी दिनचर्या दिखाऊँगा। तो आप समझ जाना कि सेम टू सेम ही गर्ल्स हॉस्टल है और उसी के लिए मैंने आज वीडियो के लिए प्रिपरेशन की है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। और इस हॉस्टल वाले व्लॉग में सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ एक आइडियल हॉस्टल रूम, जो कि मैंने आज बहुत ही मेहनत से अपने रूम को सफाई की है, क्योंकि सबसे पहले पता तो चलना चाहिए कि भाई एक आइडियल रूम कैसा होता है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि हॉस्टल में बॉयज़ कैसे रहते हैं और उस चीज़ को सबको अवॉइड करते हैं, और आपको एक अच्छा सा हॉस्टल का कमरा दिखाते हैं। तो लेट्स चलिए फिर मेरे साथ। तो अभी चलते हैं अपने रूम में और ये देखिए आप मेरा रूम। इस रूम में हमको एक दो और तीन तो दिए गए बेड, और इन्हीं के साथ है तीन टेबल और तीन चेयर्स है। ये आप देखिए कितना शानदार है। और इन्हीं के साथ तीन अलमारियां दी गई है, जिनमें अलमारियों का ये देखो, ये है अंदर की तरफ। ये तो एक सिंगल बंदे के लिए, क्योंकि ये रूम तीन लोगों के लिए है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फोर्थ ईयर में हैं तो हमको दो दो बंदों को ही रहना है रूम में। और ये देखिए आपको अंदर का दिखाता हूँ रूम। हाय सर। और ये है बड़ी अलमारी जिसके अंदर का, और आपको ये देखिए ऊपर का दिखा देता हूँ। ऊपर तो वैसे कुछ नहीं रख रखा, क्योंकि अलमारियाँ बहुत ही सफिशियंट है और इसी के लिए है। सर बहुत सुंदर है आपका रूम सर। और ये देखिए रूम के अंदर, ये अपना ही बेड है, मेरा बेड है। और तो अभी आपको ले चलते हैं यहाँ से बाहर। आपने रूम देख लिया और अभी चलते हैं, मैं आपको हॉस्टल का सब कुछ दिखाऊंगा। हॉस्टल में जिम है वो भी दिखाऊंगा, कॉमन रूम है वो भी दिखाऊंगा, और यहाँ का मेस है वो भी दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए चलते हैं बाहर। अभी दिखाता हूँ आपको हॉस्टल रूम की बालकनी। ये है हमारी बालकनी हमारे रूम की। ये मेरा रूम पार्टनर दीपक, और वो जो आप सामने देख पा रहे हो वो है गर्ल्स हॉस्टल, और पीछे की तरफ है मेस। और ये देखिए आप, ये हमारा हॉस्टल है। तो इसकी बालकनी मैंने आपको दिखाई। अच्छा सा आज व्लॉग होगा और बहुत ही मज़े आने वाले हैं। आपको बहुत सारे लोगों से भी मिलाऊंगा इस व्लॉग में, क्योंकि लोगों से ही देखो एक व्लॉग की पहचान होती है, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे और उतना ही अच्छा है। और हॉस्टल का रिव्यू भी बताना आप मेरे को कि आपको हमारा हॉस्टल देख के कैसा लगा, और उसके बारे में आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो बने रहिए आप व्लॉग में। और इसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें और बता दूँ, क्योंकि इस हमारे हॉस्टल है इसके अंदर एक तो वाईफाई की सुविधा पूरी है, यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी टोटल वाईफाई यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है। और दूसरा बता दूं कि नहाने धोने के लिए पूरा गीज़र है और सब कुछ सुविधा है। आपको दिखाया था एक आइडियल हॉस्टल रूम, और अभी आपको दिखाते हैं एक रियल हॉस्टल रूम कैसा होता है। ये देखिए आप, ये होता है किसी हॉस्टल का रियल रूम, और ऐसे रहते हैं बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से एकदम। देखो आपको नीचे पूरी सफाई मिल जाएगी इस रूम में, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये देखिए, ये हमारे हॉस्टल का बाथरूम, जो एक दो व्लॉग में पहले आया होगा, लेकिन ये हमारे हॉस्टल का बाथरूम है, और इसमें गीज़र की सुविधा भी है। आप देखिए, और आपको दिखाऊं कि ये देखिए आप चारों तरफ। तो अभी चलते हैं फिलहाल यहाँ से बाहर। ये हमारे हॉस्टल का कॉरिडोर, क्योंकि ये केवल थर्ड फ्लोर पे ही है ये कॉरिडोर, तो इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। और अभी आप बाहर का व्यू देखिए आप हॉस्टल के, ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है बाहर का। तो यार अभी आपको दिखाता हूँ हॉस्टल का बाहर का परिदृश्य, और आप देखिए इसमें कि हॉस्टल कितना शानदार है और बाहर का कितना शानदार व्यू है। और ये जो आप साइड में देख पा रहे हो, ये साइकिलों के लिए बनाया गया है स्टैंड। और ये देखिए, ये जो आपको पीछे चेयर्स दिखाई दे रही है, ये अभी नई लगी है, क्योंकि बाहर स्टूडेंट्स के बैठने के लिए बाहर देखिए आप, इधर चारों तरफ है जो है प्लांट्स लगाए गए हैं।
और आप अब पूरा बिल्डिंग का व्यू का मज़ा लीजिए, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी हम बैठे हैं हॉस्टल के बाहर चेयर्स पे, और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से जिम की तरफ, क्योंकि अभी जिम खुला नहीं है और थोड़ी देर बाद में खुल जाएगा। उसके बाद में आपको जिम का भी चारों तरफ का दिखाएंगे, क्योंकि हमारा, आपको बता दूं कि हमारे हॉस्टल का जो जिम है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इंस्ट्रूमेंट और आने बाकी है इसमें हॉस्टल जिम के अंदर। और उसके बाद में आपको सब कुछ दिखाएँगे, यहाँ का हम कॉमन रूम भी दिखाएँगे, और उसके बाद में ले चलेंगे आपको मेस में, और मैं जलेबी बन रही है जहाँ पे आज हमारे मेस में बन रही है जलेबी। स्टूडेंट शाम को चाय की चुस्की का मज़ा लेते हुए, बहुत ही शानदार। कैसी चाय बनी है आज? बहुत अच्छी है, नाइस नाइस। और ये देखिए, हम शाम को हॉस्टल के बाहर थोड़ी देर इंजॉयमेंट के लिए क्रिकेट खेल लेते हैं। वैसे तो क्रिकेट के लिए स्पेशल ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर शाम को कभी कभार आते हैं तो शाम को खेल लेते हैं, कितना इन्जॉय है। तो यार अभी चलते हैं जिम के अंदर, मैंने आपको बताया कि अभी जिम में जाते हैं और जिम के अंदर का आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे शायद दो चार लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्लासमेट ही होंगे शायद। और उससे पहले आप ये देखिए कि ये है हमारा वार्डन रूम, इसके आगे है जिम, मल्टीपर्पज़ रूम, गेस्ट रूम और विजिटर्स रूम है। तो अंदर देखिए आप, पहले जिम का होता है रूल कि आपको जूते उतार के बाहर जाने हैं, और ये देखिए साथ वाले लड़के वर्कआउट कर रहे हैं, वाह। और ये अपना सुनील भाई तेज पुशअप्स कर रहा है, और ये तेजू भाई, वाह क्या वर्कआउट चल रहा है, बढ़िया तरीके से, बढ़िया पंजाबी गाने चल रहे हैं। देखो जिम में हमारे पास ज़्यादा सामान तो है नहीं, लेकिन जितना है वो अच्छा सफिशियंट है। हमारा जिम अभी बहुत ही डेवलप होने वाला है, आप ये टेंशन मत लो, जब तक हम निकलेंगे यहाँ से हॉस्टल से तब तक अच्छा हो जाएगा। और ये है हमारा पहलवान, देखिए आप। तो जिम विजिट करने के बाद आपने मेरी पुशअप्स वगैरह भी देखी होगी, और जिम विजिट करने के बाद अभी हम चलते हैं मेस के अंदर। और अभी आ गए हैं मेस के अंदर, वहाँ पे कैसे वजन चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि शायद जलेबी बन रही है आज मेस के अंदर। और ये आंटी जी लोग हैं जो खाना वगैरह बना रहे हैं, अभी तो रोटी बन रही है और आंटी जी दाल बना रही है हमारे, ये छोले है क्या, छोले बन रहे हैं। और ये अंकल देखिए आप जलेबी बना रहे हैं, आज कुछ स्पेशल है तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए अंकल ने बनाई है जलेबी। तो ये था हमारा हॉस्टल का मेस, और अभी चलते हैं बाहर, इसके बाद दिखाएंगे आपको खाने के लिए। तो अभी आपको ये बता दूं कि ये है मनु छात्रावास, गर्ल्स हॉस्टल है। तो अभी आपने जो मैंने हॉस्टल आपको दिखाए वो थे हमारे हॉस्टल, और इसमें कुछ व्यूअर्स मेरे जो फर्स्ट ईयर के हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि आप हॉस्टल का व्यू बनाए व्लॉग, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि अभी जो आपने हॉस्टल देखे हैं इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो हॉस्टल है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर और MSc के लोगों के लिए। और फर्स्ट ईयर के जो नए बंदे आते हैं उनको क्योंकि सीनियर्स के साथ नहीं रखा जा सकता, और उसके लिए बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है, और गर्ल्स को यहाँ से IGFRI में रखा जाता है जहाँ पर अच्छे अच्छे क्वार्टर है। और अभी मैं आपको वो भी दिखा दूं कि जूनियर्स हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं और वो उनके हॉस्टल कैसे हैं। तो ये देखिए, ये है यहाँ का मेस, और ये अंकल जी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लोगों को यही खाना खिलाया जाता है। और ये हमारे अंकल हैं जो फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए बहुत ही लजीज खाना बनाते हैं। और ये है UG हॉस्टल सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए दो हॉस्टल है, एक UG फर्स्ट है और ये सेकेंड है, और इसी में हमारी फ़र्स्ट ईयर यहाँ पे गुजरी है इसी हॉस्टल में। और ये इधर का कॉमन रूम है, और यहाँ पे 15-16 के लगभग रूम है। और ये देखिए आप, फर्स्ट ईयर जो जूनियर्स आने वाले हैं उन्हीं के लिए ये हॉस्टल है, और ऊपर तो टीन है लेकिन हॉस्टल बहुत ही शानदार है। तो आपको किसी रेंडम रूम में लेके चलता हूँ, तो ये है 4 नंबर रूम, और ये देखिए आप,
ये है फर्स्ट ईयर के बंदों के लिए ये रूम है, और इसमें भी तीन बेड हैं और तीन ही आपको चेयर मिलेंगी, तीन टेबल्स मिलेंगी। और ये है अलमारियाँ, और ऊपर आप देखिए टीन लगा रखे हैं। टीन सही है, आप ये वीडियो देखिए, आप ऐसा एज्यूम मत करना कि टीन में कुछ ख़राबी है, और क्योंकि इसके ऊपर एक और फ्लोर है तो उस पर भी आपको दिखाएंगे। तो ये आपने देखा कि ये था फर्स्ट ईयर के बंदों के लिए है नया हॉस्टल, और जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे तो आपको नए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और फिर आपको दिखाते हैं आगे। और ये कुछ एक बंदे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जूनियर्स हैं। और ये देखिए आप, ये है बाथरूम वगैरह, ये थोड़े पुराने हैं क्योंकि इनको इस हॉस्टल को बने हुए हैं 5-7 साल हो गए हैं। और ये एक मेरा जूनियर है, तो आपको इससे कुछ पूछते हैं। बताओ भाई विकास, इस हॉस्टल में आपने तो कुछ ही पल गुजारे हैं, लेकिन इन हॉस्टलों में क्या आपको कुछ अच्छा लगता है? बढ़िया है सर, बस खाने में दिक्कत है थोड़ी, और तो सब बढ़िया। अरे खाने में दिक्कत मत आओ, बताओ यार, खाना अच्छा है, ठीक है, मतलब एक हॉस्टल में आपको जैसा खाना मिलना चाहिए वैसा आपको खाना मिल जाएगा। और आप उधर चलोगे तो हमारे कोऑपरेटिव में सही, और आपने हॉस्टल देख लिया, हॉस्टल में कोई रहने की यहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो बंदा होता है वो कुछ नया नया आता है, वो यही जानना चाहता है कि भाई हॉस्टल कैसा होगा हमारा, हम कैसे रहेंगे वहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत ना है। ये देखो, ये हमारे जूनियर्स ही हैं और ये अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही मज़ा है, क्योंकि एक हॉस्टल लाइफ में आप जब अलग रहोगे फर्स्ट ईयर में, तभी आपको पता चलेगा कि जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन क्या होता है और क्या कुछ और है। तो वीडियो में बने रहिए, और अभी खाते हैं शाम का डिनर। तो अभी मेज के अंदर आए हैं और देखते रहे कि क्या क्या बनाया है हमारे लिए, तो इसी के लिए आए। आंटी जी खाना लगा दीजिए, और ये देखो डिनर में बनाया है आज पूड़ी छोले और जलेबी स्पेशल बनाएगी, और अंकल खड़े हैं, बहुत ही मस्त जलेबी बनाई आज अंकल ने, बहुत मज़ा आ रहा है आज, पता नहीं क्यों बना दी आंटी बता, लेकिन मस्त है। चलो मैजिक तो बड़ो पेपर हो रहे, एक महीने की पढ़ाई। तो यार अभी करते हैं वीडियो का समापन, और अगर आपको मेरा हॉस्टल का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो अगला वीडियो मेरा होगा यूनिवर्सिटी का व्लॉग, जो कि मैं आप सभी को दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाओ, लेकिन मैं पहले हॉस्टल का व्लॉग इसीलिए बनाया है कि अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे तो अगला व्लॉग यूनिवर्सिटी का आएगा। और अच्छे कमेंट करना और बताना कि क्या मैं इस व्लॉग में नहीं दिखा पाया, जो कि मैं अगले व्लॉग में दिखा पाऊँगा, और वो चीज़ें भी आप मेरे को बताना। तो अभी करते हैं समाप्त, और फिर बाय।